चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने डिक्शनरीज को ही देखा था। ठीक है, नंपाई स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं अभी तक हमने जितना कोड या जितनी पाइथन सीखी है उससे हम कोई छोटा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि सपोज़ हमें एक इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर बनाना है कि कोई भी गाड़ी अगर इंस्टॉलमेंट पे लेता है कोई किसी भी बैंक से तो उसको क्या पर मंथ इंस्टॉलमेंट चार्ज दूंगी। ठीक, अच्छा इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास तीन गाड़ियों के ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्विफ्ट 3 मिलियन, वैगन आर 2 मिलियन, ऑल्टो 1 मिलियन जो इसकी कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद कोई भी परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो कस्टमर डिपॉजिट करा सकता है और फाइनेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट होगा कार की कॉस्ट में से डाउन पेमेंट माइनस करके, यानी जो बैंक चार्जेस लगेंगे वो फाइनेंसिंग अमाउंट पे लगेंगे। और फाइनेंसिंग पीरियड्स क्या हैं, 1 ईयर पे पहले साल अगर करता है 1 साल के लिए तो उस पर 10% चार्जेस हैं, 2 साल पे 15%, 3 साल पे 18% और 4 साल पे 20% और 5 साल पे 22%। तो इसमें से सबसे पहले तो हम देख लें अगर सूडो कोड लिखें। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड होता है जब आप किसी भी प्रोग्राम को बिल्कुल बेसिक एक सिंपल प्लेन इंग्लिश में टाइप करने की कोशिश करते हो कि यार अगर मैं कोड लिखूं तो वो किस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगी किसी भी प्रोग्राम की। ठीक है, तो जब आप ये लॉजिक बिल्डिंग करते हो प्लेन इंग्लिश के अंदर तो इसको सूडो कोड कहते हैं। तो अगर आप पाइथन प्रोग्रामर भी हो और सपोज़ कोई प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का बंदा है, प्रोडक्ट मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो कभी कभार आपको सूडो कोड्स भी प्रोवाइड कर देता है ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग में आसानी हो सके। तो अभी सबसे पहले इसका सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ कि मेरे वेरिएबल्स क्या क्या होंगे। तो इसमें कस्टमर के पास कार सिलेक्शन यानी कार का मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उसने क्या है एनी परसेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउन पेमेंट के तौर पे दे सकता है। तो यहाँ पे फिर डाउन पेमेंट परसेंटेज एक कस्टमर के पास ऑप्शन आ जाता है। और तीसरा ऑप्शन एक और है उसके पास जो कि इसमें हिडन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ यार फाइनेंसिंग पीरियड कितने साल के लिए गाड़ी चाहिए। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो ये ऑप्शन भी कस्टमर के पास है। तो तीसरा हो जाएगा फाइनेंसिंग पीरियड। ठीक है, ये तीन ऑप्शन तो हमने इनपुट के तौर पे रख लिए। ठीक है, उसके बाद डाटा क्या अवेलेबल है हमारे पास? हमारे पास गाड़ी का मॉडल और गाड़ी की कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें कोई मैकेनिज्म चाहिए होगा जिसके अंदर हम गाड़ी का मॉडल और उसकी कॉस्ट जो है वो कर सके सेव। तो अब वो डिक्शनरी भी हो सकती है, वो एरे तो अभी हमने पढ़ा नहीं है तो एरे हम लगाएंगे नहीं, डिक्शनरी हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, और देखते हैं क्या। तो इसको हम डिसाइड कर देंगे यहाँ पे हम कौन सा डेटा एलिमेंट लेंगे कॉस्ट सेव करने के लिए। फ़िलहाल कॉस्ट लिख लेते हैं, हमारे पास ये कॉस्ट हैं 3। उसके बाद क्या डेटा है हमारे पास? और हमारे पास है इंश्योरेंस रेट। ठीक है, सो इंश्योरेंस रेट क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास 1 ईयर का रेट है। अच्छा, परसेंटेज है तो आप 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे ताकि आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज अप्लाई हो जाए। सही, और इसका सिंपल सा तरीका ये जो भी परसेंटेज है उसको आप 0.10 पॉइंट्स के अंदर लिख लो। तो 10% विल बी इक्वल टू 0.10। उसके बाद 2 ईयर्स हमारे पास चार्ज आ रहा है 15%, तो 0.15 हो जाएगा। 3 ईयर्स का हमारे पास चार्ज आ रहा है 18%, तो 0.18 हो गया। 4 ईयर्स का हमारे पास आ रहा है 20%, तो 0.20 हो गया। और 5 ईयर्स का हमारे पास आ रहा है 22%, तो 0.22 हो गया। ठीक है, ये दो डेटा डिक्शनरीज हैं हमारे पास जो हमारे पास बनेंगी। उसके बाद अब आ जाती है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो एक तो कार की अपनी कॉस्ट होगी, ठीक है, और कार की कॉस्ट के बाद हम डाउन पेमेंट ले रहे हैं, और सबसे पहली चीज़ जो हम किसी भी इंस्टॉलमेंट में ऐड होगी दैट इज़ दी बैंक इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? फाइनेंसिंग अमाउंट कोई आ रहा होगा,
कि कितना अमाउंट कस्टमर फाइनेंस करा रहा है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग अमाउंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इंटरेस्ट रेट से, तो हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट निकल आएगा। एक फॉर्मूला तो ये बनता है, ठीक है। तो फिर इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि यार इसके लिए आपको फाइनेंसिंग अमाउंट पहले चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंसिंग अमाउंट इससे पहले कैलकुलेट होना चाहिए। तो फाइनेंसिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट हो रहा? फाइनेंसिंग अमाउंट किसके बराबर होगा? फाइनेंसिंग अमाउंट के गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, एक तो ये होगा, और डाउन पेमेंट कितनी कर रहा है, ठीक है। डाउन पेमेंट कितनी कर रहा है? अब डाउन पेमेंट कितनी, अगेन डाउन पेमेंट तो यहाँ पे हम परसेंटेज में ले रहे हैं, ठीक है। तो डाउन पेमेंट के लिए फिर एक फॉर्मूला होगा, डाउन पेमेंट अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा परसेंटेज और कार कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कार कॉस्ट। अब अगर मैं देखूँ तो कुछ लॉजिक बनती हुई नज़र आ रही है कि सबसे पहले मैंने डाउन पेमेंट कैलकुलेट करी, उसके बाद मैंने फाइनेंसिंग अमाउंट निकाला, फिर मैंने इंटरेस्ट अमाउंट निकाला, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के बाद कॉस्ट टू कस्टमर कितनी पड़ेगी, ठीक है। कॉस्ट टू कस्टमर यानी कस्टमर को कितना अमाउंट पे बैक करना पड़ेगा। तो कॉस्ट टू कस्टमर बराबर होगी फाइनेंसिंग अमाउंट जितना हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और इसमें इंटरेस्ट प्लस कर दें तो ये कॉस्ट टू कस्टमर है। अब इसको हमें इक्वल मंथली डिवाइड इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट बराबर हो जाएगी कॉस्ट टू कस्टमर के डिवाइड बाय पीरियड, फाइनेंसिंग पीरियड कितने पीरियड के लिए वो कर रहा है। लेकिन पीरियड यहाँ हमारे पास एयर्स के अंदर है, और हमें मंथली कैलकुलेट करनी है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाए, राइट। इस कोड को मैं और शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं डाउन पेमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ परसेंट कॉस्ट, अगर मैं एक स्टेप इसको कम कर दूँ, ये फॉर्मूला मैं उठा के यहीं पे लिया हूँ, तो अब मेरे पास कैलकुलेशन के फॉर्मूले काम हो जाएंगे। सॉरी कहाँ गया, ये और ये। सो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से हटा दिया। सो अब मेरे पास फॉर्मूले कम हो गए। सो दिस इज़ माई सूडो कोड, ठीक है। अब इस सूडो कोड को कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में बनाने की, ठीक है। सो सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास क्या था, डाउन पेमेंट, ठीक है। दूसरा वेरिएबल हमारे पास था गाड़ी का मॉडल, ठीक है। तो हम इसको कहते थे रिक्वायर्ड मॉडल। और तीसरा वेरिएबल में हमारे पास था फाइनेंसिंग पीरियड, मैंने इसको कह दिया पीरियड, ठीक है। ये तीन इनपुट यूज़र देगा, ठीक है। तो फिलहाल जब यूज़र देगा तो प्रोग्राम को टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हैं। मैं सपोज़ करता हूँ कि यार मैं 20% डाउन पेमेंट करूँगा, गाड़ी मुझे चाहिए स्विफ्ट, ठीक है, और 5 सालों के लिए मैं फाइनेंस कराऊंगा। मैंने ये केस बना लिया अपने पास आर्बिट्री केस, ताकि मैं पूरा प्रोग्राम रन करके चेक कर सकूं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा था सूडो कोड में कि हमें डाटा स्टोर करना पड़ेगा कि गाड़ी कौन सी है और मार्कअप कितना है। तो हम गाड़ी के लिए एक डिक्शनरी बना लेते हैं। हमने कहा गाड़ी के लिए एक डिक्शनरी बन गई। मैंने कहा की डिक्शनरी में आपको याद होगा की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, राइट। मैंने कहा स्विफ्ट जो है वो 3 मिलियन की है। उसके बाद वैगन आर जो है वो 2 मिलियन की है। और ऑल्टो जो है वो 1 मिलियन की है। सो ये मेरे पास पहली डिक्शनरी आ गई। दूसरी डिक्शनरी हमने कहा था ऊपर सूडो कोड में कि वो होगी इंटरेस्ट रेट के लिए, तो उसको कह देते हैं मार्कअप। मार्कअप की एक डिक्शनरी बना लेते हैं, इसमें
अगर 1 साल होगा तो मार्कअप 0.10% है, 2 साल होंगे तो 0.15 है, 1.5 है, यस 1.5 है, 3 साल होंगे तो 0.18 है, 4 साल होंगे तो 0.20 है, 5 साल होंगे तो 0.22 है, ठीक है। ये अब हमारे पास दो डिक्शनरी आ गई और स्टार्टिंग में तीन इनपुट वेरिएबल आ गए। ये इतना कोड आप लिख लो ताकि फिर हम आगे की कैलकुलेशन करें। अच्छा, ये कोड मैं स्लैक पे भी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए लिखने के अंदर। ठीक है, अब हमारे सूडो कोड के सब मुताबिक हमें सबसे पहले फाइनेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट करना था। तो फाइनेंसिंग अमाउंट है कार कॉस्ट माइनस परसेंटेज ऑफ डाउन पेमेंट इनटू कार कॉस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँ तो फाइनेंसिंग अमाउंट इज इक्वल टू कार कॉस्ट। अब सवाल आता है कार कॉस्ट निकलेगी कैसे। सो हमारे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में की स्विफ्ट वैल्यू उसकी अमाउंट है। तो जब डिक्शनरी में से, अगर आपको याद हो तो डिक्शनरी में से हमें किसी भी की के अगेंस्ट वैल्यू निकालनी होती थी, तो हम डिक्शनरी का नाम लिखते थे और उसके अंदर हमें जिस भी की वैल्यू चाहिए होती थी वो की लिख देते थे, ठीक है। अब क्योंकि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो स्विफ्ट तो यहाँ पे अभी मैंने हार्ड कोड कर दिया, मैंने खुद बता दिया, लेकिन ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। जो भी कस्टमर होगा वो जो वैल्यू देगा वो यहाँ पे वो वैल्यू आनी चाहिए। और अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने रिक्वायर्ड मॉडल के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर की थी, तो कार्स को मैं हार्ड कोड करने की बजाय इसको रिक्वायर्ड मॉडल का वेरिएबल पास कर देता हूँ, रिक्वायर्ड मॉडल, ठीक है। तो अभी कर क्या रहा है, ये कार्स डिक्शनरी में से जाएगा, रिक्वायर्ड मॉडल की ढूंढेगा और उसकी वैल्यू निकाल के देगा। जब वो की ढूंढने आएगा तो रिक्वायर्ड मॉडल की उस वेरिएबल में से, वह यहाँ पे स्विफ्ट है तो यहाँ पे स्विफ्ट की कॉस्ट ला के लिख देगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा डाउन पेमेंट परसेंट माइनस कार कॉस्ट, हमने माइनस किया। डाउन पेमेंट परसेंट हम ऑटोमेटिकली कस्टमर से एज ए इनपुट ले रहे हैं तो वो तो ऐसे ही आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय कार कॉस्ट, कार कॉस्ट अगेन उसी तरीके से निकलेगी, कार्स डिक्शनरी में से रिक्वायर्ड मॉडल की लो और उसकी वैल्यू निकाल के ला दो। तो ये हो गया फाइनेंसिंग अमाउंट। अब इतना कोड हम चला के टेस्ट साथ साथ करते जाते हैं ताकि हम देख लें कि कोई गड़बड़ नहीं हो रही। फाइनेंसिंग अमाउंट को हम यहीं पे डीबग के तौर पे प्रिंट करा लेते हैं। मैंने कहा रिक्वायर्ड मॉडल है मेरा स्विफ्ट, स्विफ्ट ये 20% डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसने 3 मिलियन में से 20% यानी 6 लाख रुपये माइनस किए और 2.4 मिलियन ला के दे दिए। सो दैट मीन्स कि यहाँ तक हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना था, इंटरेस्ट अमाउंट का। तो इंटरेस्ट अमाउंट किसके बराबर था, फाइनेंसिंग अमाउंट जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, फाइनेंसिंग अमाउंट, और उसके बाद हमने कहा मार्कअप का रेट। मार्कअप का रेट, इंटरेस्ट रेट कहाँ से आ रहा है, वो मार्कअप की टेबल से आ रहा है। इसमें भी अगेन की वैल्यू पेयर है, जिस तरीके से हमने कार की कॉस्ट निकाली थी सेम उसी तरीके से हम मार्कअप की भी कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है।
और कितने सालों के लिए कराना है वो हमने पीरियड के वेरिएबल में सेव किया हुआ है। तो मार्कअप का अब मुझे की पास करनी है, की इसकी पीरियड में, तो अब इसको इंटरेस्ट रेट निकाल के दे देना चाहिए। ठीक, फाइनेंसिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई करेगा मार्कअप पीरियड को, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। चेक कर लेते हैं प्रिंट इंटरेस्ट के कैलकुलेट सही कर रहे हैं कि नहीं। सही है, इसने 5 साल के लिए हम कर रहे थे, 5 साल का रेट 22% है, तो 22% जो है वो 5,28,000 रुपये के करीब बनता है, तो विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो ये सही कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट के बाद अगर हम सूडो को कोड देखें तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी थी, और उससे पहले हमें कॉस्ट टू कस्टमर भी कैलकुलेट करनी थी। सो कॉस्ट कस्टमर का फॉर्मूला किया था फाइनेंसिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो फाइनेंसिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये मेरी कॉस्ट कस्टमर आ गई, और मंथली इंस्टॉलमेंट क्या थी, मेरे पास को इंस्टॉलमेंट कह देते हैं सिंपल, इंस्टॉलमेंट बराबर थी कॉस्ट टू कस्टमर डिवाइड बाय पीरियड इनटू 12। सो कॉस्ट टू कस्टमर हमने कैलकुलेट कर ली, कॉस्ट कस्टमर कॉस्ट 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 कस्टमर डिवाइड बाय पीरियड का वेरिएबल ऊपर हमने लिया हुआ है 5 साल इनटू 12, ताकि ये महीने में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी, तो अब कर देते हैं प्रिंट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी आई, सो अगर मैं डाउन पेमेंट 20% लेता हूँ, मॉडल स्विफ्ट सेलेक्ट करता हूँ, 5 साल के लिए फाइनेंस करवाता हूँ, तो बैंक के गिवन डाटा के हिसाब से 48,800 रुपये पर मंथ मेरी इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक, ये प्रोग्राम ये कोड ट्राई करें प्रोग्राम, और फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको यूज़र के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक, अगेन मैं पूरा कोड जो है वो स्लैक पे कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ। अब ये प्रोग्राम तो हमारा बन गया, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन जो हम रिज़ल्ट के तौर पे पास ऑन कर रहे हैं वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट पास ऑन कर रहे हैं, तो अगर हम इसको और अच्छा बनाना चाहें, ठीक है, या और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहें यूज़र के लिए, तो हम क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हम पहले लिख देते हैं यार, प्रिंट कर दो सेलेक्टेड कार, और यहाँ पे बता दो कार कौन सी ली है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास सेव है रिक्वायर्ड मॉडल में, रिक्वेस्टेड कार जो है वो रिक्वायर्ड मॉडल से आ जाएगी। उसके बाद और क्या चीज़ है, हमने कहा डाउन पेमेंट कितनी कर रहे हो, डाउन पेमेंट ये हमारे पास डाउन पेमेंट में सेव है, और फाइनेंसिंग पीरियड आ रहा है हमारे पास
प्रिंट पीरियड, ये आ रहा है हमारे पास पीरियड में, और उसके बाद आ रही है इंस्टॉलमेंट। सो योर मंथली इंस्टॉलमेंट विल बी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब क्या हम पूरी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मसला आ गया? अच्छा पीरियड। सो अब ये आपका प्लान पूरा एक तरीके से आ रहा है। अच्छा इस प्रोग्राम में एक और मसला ये है कि सपोज़ आप ये प्रोग्राम किसी वेब सर्वर पे डालते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप ये कस्टमर्स के लिए ओपन कर देते हैं, वो आके इसको फिल करें और अपनी इंस्टॉलमेंट खुद कैलकुलेट करें। तो इसके अंदर अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने डाउन पेमेंट, रिक्वायर्ड मॉडल और पीरियड तीनों जो हैं वैल्यूज़ हार्ड कोड कर दी हैं प्रोग्राम के अंदर ही। रखे तो हमने वेरिएबल है, लेकिन सपोज़ ये प्रोग्राम रन हो गया तो सोर्स कोड में आप क्या बार बार जाके चेंज करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक। तो जब यूज़र से इनपुट, तो ये बात आपको याद होगी, जब हम इनपुट लेते हैं यूज़र से तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम वेरिएबल में वैल्यू की जगह लिख देते हैं कि यार इसको यूज़र से इनपुट लो। सो ये इनपुट आ गया, रिक्वायर्ड मॉडल भी इनपुट आ गया, ये भी यूज़र से पूछो और पीरियड भी यूज़र से पूछो। ये तीनों चीज़ें अब यूज़र से पूछो। अब लेकिन अब यहाँ पे मसला ये आएगा कि जैसे मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो ये ब्लैंक आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ठीक है। सो इससे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करनी पड़ेगी, सही है। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एंटर डाउन पेमेंट, ठीक है। सो तो अगर आप लॉजिकली सोचो तो डाउन पेमेंट पहले बतानी चाहिए, मॉडल पहले बताना चाहिए, तो हमें पहले मॉडल बताना चाहिए गाड़ी का, फिर डाउन पेमेंट बतानी चाहिए। तो हम पहले मॉडल ले लेते हैं। सो प्रिंट एंटर कार मॉडल। अच्छा अब यूज़र प्रूफ करने के लिए, आइडिया प्रूफ करने के लिए ये है कि हमारे पास तीन ही मॉडल हैं, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि यार तीन ही मॉडल हैं। सो फ्रॉम स्विफ्ट, वैगन आर और ऑल्टो, इन तीन में से कोई एक मॉडल सेलेक्ट करना है आपने। उसके बाद रिक्वायर्ड मॉडल चल जाएगा, उसके बाद दूसरी चीज़ आप क्या इनपुट ले रहे हो, प्रिंट एंटर डाउन पेमेंट परसेंट। अच्छा अब फिर आपको इसको इडियट प्रूफ करना है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा इन डेसिमल्स। उसके बाद आप डाउन पेमेंट का इनपुट ले लो, उसके बाद तीसरी लास्ट इंस्ट्रक्शन इसको पास ऑन करें, प्रिंट एंटर पीरियड फॉर फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग पीरियड, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अच्छा मेरा सेल ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आ रही है कि आपको क्या एंटर करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले स्विफ्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कह रहा है डाउन पेमेंट परसेंटेज, मैंने कहा 0.20, उसके बाद मैंने कहा 5 साल के लिए फाइनेंसिंग कर दो। तो अब क्या मसला आ रहा है इसमें, ये मसला आ रहा है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मसला है। मसला ये है कि जब भी जो भी हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, वो इनपुट जो है वो स्ट्रिंग के तौर पर सेव कर रहा है, ठीक है, जबकि ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए हमें इंटीजर चाहिए, ठीक है भाई। तो अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको हल करने का तरीका एक ही है कि मैं टाइप डिक्लेयर कर दूं, ठीक। तो मैं इसकी एक टाइप डिक्लेयर कर देता हूं कि यार ये मुझे इंटीजर में चाहिए और पीरियड भी मुझे इंटीजर में चाहिए। सो पहले ये करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। सो कार मॉडल मैंने कहा स्विफ्ट, उसके बाद डाउन पेमेंट मैंने कहा 0.20। अब क्या मसला आ गया, ये इस तरीके से नहीं चल रहा, ठीक है, इंटीजर विद बेस 10 ये नहीं चल रहा। तो अब क्या करें,
अब इसको और लॉजिकली सेट करते हैं। तो इसको लॉजिकली किस तरीके से सेट करें, मैं अगर इसके पास से इंटीजर हटा दूं, ठीक है, अब हम इसको कहते हैं यार डेसिमल में नहीं दो तुम, परसेंट में दे दो, ठीक है। और इसको मैं ले लेता हूँ डाउन पेमेंट परसेंट। उसके बाद अब मैं इसको इसकी डेसिमल वैल्यू ख़ुद कैलकुलेट करता हूँ। सो डाउन पेमेंट इज़ इक्वल टू इंटीजर डाउन पेमेंट परसेंट डिवाइड बाय 100। सही। अब चला के देखते हैं। आने का स्विफ्ट डाउन पेमेंट परसेंट आने का 20। अब यह मसला आ गया, डाउन पेमेंट परसेंट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, टी भूल गए हम शायद कहीं पे, डाउन पेमेंट परसेंट यहाँ पे हम टी भूल गए थे। आने का स्विफ्ट डाउन पेमेंट 20। अब क्या मसला आ गया, स्ट्रिंग और इंटीजर। अच्छा ये क्या कह रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप डिवाइड बाय स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम जो डिवाइड कर रहे हैं डाउन पेमेंट परसेंट को, ये इसने इंटीजर में लेना है। स्विफ्ट 20, फाइनेंसिंग पीरियड 5। तो अब इसने कैलकुलेट कर दी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स। सो दिस इज़ हाउ आप जो है ये प्रोग्राम कोड कर सकते हैं, या इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पाइथन हमने अभी तक भी सीखी थी उसके हिसाब से भी यू कैन बिल्ड स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स फॉर यू। सो इसको ट्राई करें अपने बाद, देखें कोई एरर आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताएं। इसके बाद हम नंपाई स्टार्ट करते हैं। ये कोड मैं पेस्ट भी कर रहा हूँ। डिक्शनरीज यहीं तक थी, दिस वॉज दी लास्ट टॉपिक फॉर डिक्शनरीज। अब हम नंपाई स्टार्ट करेंगे। इसको ट्राई कर लें जल्दी से, क्या ये प्रोग्राम और बेहतर हो सकता है, ये भी सोचिएगा कि किस तरीके से और बेहतर हो सकता है।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट नंपाई। नंपाई स्टार्ट करते हैं। नंपाई क्या है? सबसे पहले तो आज हम नंपाई जो है, जब नंपाई स्टार्ट करें तो दैट्स मीन हम पाइथन की पहली लाइब्रेरी या अपने इस कोर्स की हम कोई पहली लाइब्रेरी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होती है? जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था पाइथन के इंट्रोडक्शन में कि पाइथन इटसेल्फ एक लैंग्वेज है, लेकिन जब आप उसकी कैपेबिलिटीज इन्हेंस करने की बात करते हो तो आप मुख्तलिफ लाइब्रेरीज को उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। सो नंपाई एक एडिशनल लाइब्रेरी है जो पाइथन के साथ इंस्टॉल हो जाती है। और नंपाई का फ़ायदा ये है कि नंपाई आपको एनडी एरे की फंक्शनैलिटी डिफाइन करने देती है। ठीक है, एक नई डाटा टाइप डिफाइन करने देती है जिस जो कि है एनडी एरे। और एनडी एरे के साथ फिर काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि आपको उस सारी को इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। अब एनडी एरे क्या भला है? अगर अभी तक हमने लिस्ट डिफाइन करी, ठीक है, हमने डिक्शनरी डिफाइन करी, हमने सेट्स डिफाइन करे, इन सब में एक चीज़ जो हमें थोड़ी सी मिसिंग नज़र आ रही थी वो ये कि नो डाउट जो एनडी एरे से काम हो सकता है वो लिस्ट से भी हो सकता है, शायद शायद डिक्शनरी से भी हो सकता है। लेकिन जब आप डिक्शनरी और लिस्ट से सपोज सिक्स डायमेंशनल एरे, एन डी से हम मुराद है एन डायमेंशनल एरे, तो यहाँ से जब आप सिक्स डायमेंशनल या सेवन डायमेंशनल एरे सी को कैलकुलेट करने जाते हैं तो इट टेक टाइम। सो नंपाई एक तो फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, और लिस्ट से तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तकरीबन 50x फास्टर जो है वो नंपाई की प्रोसेसिंग है एज़ कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट। तो आप सपोज़ करो अगर आप मिलियंस ऑफ रॉस का डाटा एनालाइज कर रहे हो और आप लिस्ट के थ्रू करते हो तो इट विल टेक टाइम, जबकि एनडी एरे क्विक कर लेता है। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिस्ट के साथ जो मेथड है, मेथड क्या होते हैं, मेथड क्या आते हैं, हमने काफ़ी सारे मेथड देखे थे। जैसे एक मेथड लिस्ट के साथ था लिस्ट डॉट अपेंड, अगर आपको याद हो। सो डॉट के बाद हम कोई भी चीज़ लिखते थे तो ये उसका मेथड होता था। तो लिस्ट में बहुत लिमिटेड, मतलब मैथमेटिकली बहुत लिमिटेड फंक्शन है जो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मल्टीप्लाई करो तो आप कर तो सकते हो एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मल्टीप्लाई, लेकिन आपका कंट्रोल चले जाता है कौन सी सा इंडेक्स कौन से इंडेक्स से मल्टीप्लाई होगा। जबकि एन डी एरेज़ में बिल्ट इन मेथड्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लिस्ट की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, और डेटा एनालिसिस में चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वाई हम नंपाई यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ लिस्ट। ठीक है, और ज़्यादा सब मेजर डिफरेंस ये है कि स्पीड और रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होती हैं, स्पीड ज़्यादा यूटिलाइज होती है, तो नंपाई का यूज़ करने का ये फ़ायदा। अब नंपाई क्योंकि पहली लाइब्रेरी है और हमें इंस्टॉल करने का तरीका भी देखना होगा कि नंपाई को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए। ठीक है, तो आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर होगा खुला हुआ। ठीक है, और एनाकोंडा नेविगेटर में मैंने आपको बताया था आप इन्वायरमेंट में आते हैं, ये आपका बेस रूट इन्वायरमेंट है। हमने एक इन्वायरमेंट बनाया था डेटा एनालिसिस का, हमने उस पर आके क्लिक कर दिया, अब मेरा डेटा एनालिसिस का इन्वायरमेंट एक्टिव हो रहा है। इस डेटा एनालिसिस के इन्वायरमेंट के अंदर जितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब सॉरी डेटा शेडलॉक्स के इन्वायरमेंट को देख लेते हैं आप लोगों के साथ जो मैंने मिलके बनाया था। सो डेटा शेडलॉक्स इन्वायरमेंट में जितने भी पैकेजेस या लाइब्रेरी इंस्टॉल होंगी वो सारी लिखी हुई यहाँ पे आ जाएंगी। सो जब मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये मुझे सिर्फ इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी दिखा रहा है। ठीक है, अगर मुझे कोई लाइब्रेरी नई चाहिए होती है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैं ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ सर्च पैकेजेस में आके ये जो सर्च पैकेजेस हैं यहाँ पर मैं लाइब्रेरी का नाम लिख दूंगा। सो इट इज़ नम पाए। सो नम पाए ये रही, और नम पाए इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं नंपाई पे आके चेक मार्क करूँगा और अप्लाई कर दूँगा, तो अब ये डाउनलोड करके नंपाई इंस्टॉल कर लेगा अपने पास। तो अब भी अभी ये कर लें, नंपाई की लाइब्रेरी इंस्टॉल करें। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि नंपाई को चलने के लिए कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज चाहिए, आप करेंगे ठीक है अप्लाई करें, तो ये नंपाई को डाउनलोड करके नंपाई इंस्टॉल कर लेगा अपने पास। आप भी साथ के साथ नंपा इंस्टॉल कर लें अपने पास।
ये तो एक तरीका है नंपाय सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप टर्मिनल से पिप की कमांड लिख के यूज़ कर लें। पिप क्या है? पिप इज़ पाइथन इंटीग्रेटेड पैकेज मैनेजर। तो वो किस तरीके से चलती है, आप टर्मिनल खोलें, ठीक है, आप टर्मिनल खोलें, ये मेरे पास टर्मिनल खुल गया, और आपने सिंपल सी एक कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल नंपाय, और यहाँ अब इसने कहा कि कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी मेरे पास ऑलरेडी नंपाय मैंने वहाँ से डाउनलोड कर ली थी, तो नंपाय सेटिस्फाइड दिखा रहा है, वरना ये नंपाय डाउनलोड करके दिखा रहे। ये तरीका क्यों समझाया? हो सकता है कुछ आगे चल के जब आप पाइथन यूज़ करना स्टार्ट करें, नंपाय हो गया, पैंडास हो गया, साइकिटलर्न हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉर्न, ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस और कॉमन लाइब्रेरीज हैं, तो ये एनाकोंडा पे भी मिल जाती हैं। सपोज आपको ऐसी लाइब्रेरी नई आई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लाइब्रेरी है जिसको आप ट्राई करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं एक लाइब्रेरी दिखाता हूँ जो मैं अभी देख रहा था कि पाइथन से एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बन सकती हैं, ठीक है, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और इसके लिए जो लाइब्रेरी या पैकेज इस्तेमाल होता है, इट इज़ कीवी, ठीक है, कीवी के नाम से, KIVY के नाम से, ये लेटेस्ट एक लाइब्रेरी आई है जो एक्सपेरिमेंटल फेज़ के अंदर है। अब ये लाइब्रेरी एनाकोंडा पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो अगर मुझे इसको इंस्टॉल करना होगा तो मैं टर्मिनल से जाके पिप इंस्टॉल कीवी लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका ये कि आप पिप कीवी सर्च कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि यार है क्या। तो ये पिप या पाई पाई की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आ रहा है कि यार ये कीवी लाइब्रेरी है, सो डेवलपमेंट एप्लीकेशन इनोवेटिव मल्टी टच यूज़र इंटरफेस है, साइथन ओपन जी एल के ऊपर बेस है, और इससे एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बढ़ जाती हैं। सो आप इसको अगर आपने इंस्टॉल करना है तो इसकी कमांड आपको यहाँ से मिल जाती है, पिप इंस्टॉल कीवी। इसी तरीके से अगर हम नमपाई को देखें तो नमपाई भी यहाँ पे डेफिनेटली आ रही है। तो ये पाइथन का पैकेज मैनेजर है पिप के नाम से, यहाँ पे जो जो पैकेजेस अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि नॉर्मली किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपके पास नमपाई इंस्टॉल हो गई होगी। अच्छा, अब हम पाइथन में आ गए, ठीक है, तो सबसे पहले आप लाइब्रेरी, क्योंकि पाइथन के अंदर इंस्टॉल्ड हुई है, और जब भी आपको वो लाइब्रेरी यूज़ करनी है आपको वो इम्पोर्ट कराना होती है। सो आप लाइब्रेरी इम्पोर्ट कैसे कराते हैं? इम्पोर्ट नंपाय, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एंटर लिखूँगा, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब नंपाय इम्पोर्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि यार एरे कैसे बनेगा, ठीक है, नंपाई के अंदर एरे कैसे बनेगा। तो नंपाई के अंदर एरे बनाने का तरीका जिस तरीके से हम लिस्ट बनाते थे उसी तरीके से बनता है। एरे, इस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया एरे, मैंने कहा नंपाई, नंपाई लाइब्रेरी में से एरे का फंक्शन उठाओ और एक एरे क्रिएट कर दो, ठीक है, ये एक एरे क्रिएट, ये एक नंपाई एरे क्रिएट हो गया। सो इसमें हमने किया गया नंपाई लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट करी है उसमें से एरे का मेथड उठाओ और एक एरे क्रिएट कर दो। इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि ये क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। सो प्रिंट एरे, और इसकी टाइप भी देख लेते हैं कि यार किस टाइप का वेरिएबल बना ये, टाइप ऑफ एरे, ठीक है। सो ये एरे आ गया 1 2 3 4 5, और ये नंपाई का एनडी एरे। सो अपने पास एनडी मीन्स nth डायमेंशंस की कितनी भी डायमेंशंस हो सकती हैं, ये भी हम आगे चल के देखेंगे कि हम डायमेंशन कितनी कैसे निकालेंगे यार, इस एरे की कितनी डायमेंशन है। सो जस्ट ट्राई इट ऑन, ये एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखें, एरे बना के देखें, आपके पास नंपाई सही से इंस्टॉल हो गई है। चल, सो अब एक चक्कर ये कि यार मैं जो भी एरेज बनाऊंगा, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका
मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा था, आप स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं एरे डिफाइन करने के लिए। तो मैं एरे ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। इस तरीके से भी मेरा एरे डिफाइन हो सकता है राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन एक चक्कर ये है कि यार जब भी मैं फंक्शन लिख रहा हूँ नंपाई के, तो मुझे बार बार नंपाई लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और ये बहुत हैक्टिक है यार, इतना नंपाई नंपाई, इसको शॉर्ट करना है। तो जब भी आप लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हो तो आप लाइब्रेरी को कोई भी एलियास दे सकते हो। एलियास मैं यहाँ पे इसको देता हूँ एनपी, शॉर्ट करके कि नंपाई को इंपोर्ट करो एनपी के नाम से। अब मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ मैं उसमें एनपी लिख दूँगा, तो ये शॉर्ट हो जाएगा और मुझे कोड लिखने में आसानी हो जाएगी, राइट। सो ये मैंने रन नहीं किया, इस वजह से नीचे एरर दे रहा है। अब ये एरर नहीं देगा क्योंकि सीक्वेंस वाइज सेल रन होते हैं। सो कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तो नहीं कहेंगे, ये एक प्रोग्रामर कम्युनिटी जितनी भी हम लोगों की एक स्टैंडर्ड नाम है जो हम डिसाइडेड है, इसलिए आप ऑनलाइन कोड भी सर्च करेंगे तो आपको इन्हीं नाम के साथ मिलेगा। और वो ये हैं कि नंपाई को एनपी के नाम से सेव करते हैं, ठीक है। एनपाई नंपाई इंपोर्ट करते हैं एनपी के नाम से, पैंडास इंपोर्ट करते हैं पीडी के नाम से, मैटप्लॉटलिब में से पाइप्लॉट इंपोर्ट करते हैं, और वो हम कर रहे होते हैं पीएलडी के नाम से। सीबॉर्न हम ज़्यादातर लोड कर रहे होते हैं SNS के नाम से। और क्या आता है, स्ट्रीमलिट यूज़ करेंगे हम, स्ट्रीमलिट यूज़ कर रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं हम ST के नाम से। तो ये एक जनरल कन्वेंशन है हम प्रोग्रामर कम्युनिटी की, आप चाहे ABC भी यूज़ कर लें बट ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। और ऑनलाइन आप सोल्यूशन सर्च करते हैं कोड्स के तो वो जनरली इसी तरीके से मिलते हैं। नंपाई को NP लिखा होता है, पैंडास को PD, मैटप्लॉटलिब को पाइप्लॉट को PLT, सीबॉर्न को SNS और स्ट्रीमलिट को ST, राइट। आगे चलते हैं, हमने एरे डिफाइन कर दिया, हमने टाइप ऑफ एरे भी डिफाइन कर दी, ठीक है। सो अब देखते हैं डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं। सो डायमेंशन अब नंपाई के अंदर एक ज़ीरो, एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन, पांच डायमेंशन, छह डायमेंशन, जितनी भी डायमेंशन चाहे उतनी डायमेंशन के एरे बन सकते हैं। डायमेंशन हैं क्या, ठीक है। सपोज मैं एक ज़ीरो डायमेंशन का एरे बनाता हूँ, ठीक है, ज़ीरो डायमेंशन का एरे। अब ज़ीरो डायमेंशन क्या है, यानी अगर एक डी ज़ीरो एरे बनाओ, इसका नाम मैंने दे दिया डी ज़ीरो, मैंने कहा NP डॉट एरे, और मैं सिर्फ इसको एक सिंगल वेरिएबल पास ऑन कर रहा हूँ 89। इस एरे को प्रिंट करा है डी ज़ीरो एरे, और इसकी टाइप प्रिंट कराते हैं। डी ज़ीरो एरे का ए कैपिटल है, सो ये एक एरे है, ठीक है। इस एरे की डायमेंशन ज़ीरो है, ज़ीरो डायमेंशन यानी एक अपने आप में अकेला एलिमेंट है जिसको हमने एरे के तौर पे सेव कराया हुआ। सो दिस इज़ ज़ीरो डायमेंशन एरे। अब हम वन डायमेंशन एरे देखते हैं कि यार 1D एरे क्या है, 1D एरे। तो ऊपर जो हमने एरे डिफाइन किया था जिसके अंदर सिर्फ एक ही एरे आ रहा था या एक ही लाइब्रेरी आ रही थी, सॉरी लाइब्रेरी एरे, एक ही लिस्ट आ रही थी, ये वाला, ये है 1D एरे, ठीक है। ऐसा एरे जिसके अंदर एक ही लिस्ट आ रही हो वो कहलाता है 1D एरे, जिसके अंदर कोई लिस्ट नहीं थी वो था 0D एरे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होगी, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिर 2D एरे क्या है। 2D एरे किस एक डिफाइन करके देख लेते हैं, डी टू एरे इज इक्वल टू नंपाई डॉट एरे। अब
डी टू एरे मतलब एरे के अंदर एरे, राइट, या लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये सेकंड डायमेंशन हो गई। इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले तो आपके राउंड ब्रेकेट आएंगे जो नंपाई एरे का टप्पल है, जो कि पास ऑन होना ही होना है। उसके बाद सबसे पहला एरे आएगा, ठीक है, ये एक एरे आ गया। अब इसके अंदर दो एरे होंगे, तो एक एरे ये होगा और एक एरे ये होगा, राइट। इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो अभी पूछ लेगा कि यार ये क्या है। टू डी एरे है। टू डी एरे क्या है? बाहर वाला एरे जो कि ये, इसके अंदर दो एरे, एक ये और एक ये। सो दिस इज टू डी एरे। इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, ने कहा 1 2 3 और दूसरा हम लिख देते हैं ए बी सी, ए बी सी। सो दिस इज अ टू डी एरे। अच्छा, क्या मसला आ गया? 1 2 3 के अंदर ए इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक, ये स्ट्रिंग है और हमने कोटेशन मार्क नहीं लगाई, तो ये इसको वेरिएबल कंसीडर कर रहा है, माय मिस्टेक। सो अब ये स्ट्रिंग के तौर पे सेव कर लेगा। सो ये हो गया टू डी एरे। अब ये अगर लिस्ट होती, ठीक है, और उसको हम प्रिंट कराते तो एक सीधी लाइन के अंदर पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाती। अब यहाँ पे मज़े की चीज़ आती है कि जब आप टू डी एरे को प्रिंट कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। सो हमने कहा यार डी टू एरे को ज़रा प्रिंट कराएं। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग थी। अब ये एरे की आपको फिजिकल शक्ल दिखा रहा है कि एरे है क्या। तो अगर आपने 9th या मैट्रिक क्लास में मैथ्स में मैट्रिसेस पढ़े हों, राइट, मैट्रिसेस जो होते हैं वो एरे होते हैं, ठीक है। सो ईच मैट्रिक्स हैव रोज एंड वैल्यूज़। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। सो इस मैट्रिक्स के अंदर तीन कॉलम्स हैं, एक रो है, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर तीन कॉलम है, एक रो है। सो एरे के अंदर दो एरे इस टू डी एरे। मुझे अगर अब इस टू डी एरे की डायमेंशन निकालनी हो कि यार कितने डायमेंशन का एरे, सो उसका तरीका ये होता है प्रिंट। सबसे पहले आप एरे का नाम लिखते हो जो आपने बनाया था, तो हमने डी टू एरे बनाया था। और इस अब जिस तरह मैंने कहा था कि एरे के साथ और ज़्यादा मेथड हैं, तो यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास एन डिम का। एन डिम आपको कंट्रोल एंटर जब इसको रन करेंगे तो एन डिम का मेथड जब भी आप किसी एरे पे लगाते हो तो आपको उसकी डायमेंशन बता देता है। सो दिस इज़ अ टू डी एरे। सो आप 1D और 2D एरे अपने पास डिफाइन करें और देखें कोई मसला तो नहीं आ रहा। चले अब देखते हैं 3D एरे क्या है, ठीक है। 3D एरे, 2D एरे क्या था? 2D एरे ये था, ऐसा एरे जिसके अंदर दो 1D एरे हो या दो लिस्ट हो, जैसे 2D एरे। 1D एरे क्या था? ऐसा एरे जिसके अंदर एक 0D एरे हो। तो 3D एरे क्या होगा? 3D एरे एक ऐसा एरे जिसके अंदर आपके पास 2D एरेज आ रहे हो, ठीक। ये अब हरगिज़ नहीं, अब यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है। थ्री डी एरे क्या है? थ्री डी एरे एक ऐसा एरे जिसके अंदर टू डी एरेज आ रहे हों, वो टू डी एरे कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, तो थ्री डी एरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि तीन ही टू डी एरे आ रहे हों। सो एरे के अंदर एरे के अंदर एरे, थर्ड डायमेंशनल एरे इज़ थ्री डी एरे। तो इसको डिफाइन करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सो डी थ्री एरे बराबर होता है एक थ्री नंपा एरे डिफाइन कर लेते हैं। सो सबसे पहले अब हमने क्या कहा, थ्री डी एरे इज़ एन एरे जिसके अंदर टू डी एरे आ रहे हों, और टू डी एरे ऊपर हमने एक बनाया था 1 2 3 ए बी सी। तो सबसे पहले यही एक डिफाइन कर लेते हैं, ये 1 2 3 और ए बी सी, ये एक टू डी एरे है। ठीक है, तो हमने एक टू डी एरे डिफाइन कर लिया। मैं एक और टू डी एरे डिफाइन कर देता हूँ इसके साथ, इसको ले लेते हैं 4 4 5 6, और इसको ले लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, सो ये मेरा एक टू डी एरे, ये मेरा दूसरा टू डी एरे। ठीक है, ये दो टू डी एरेज मेरे पास डिफाइन हुआ है। इन दो टू डी एरेज को अगर मैं एक एरे में बंद कर दूँ तो वो थ्री डी एरे बन जाएगा। सो एक एरे में कैसे बंद कर दें, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट एक एरे में बंद हो गया। नाउ दिस विल बी अ थ्री डी एरे। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट डी थ्री एरे, डी टू नहीं डी थ्री यार। सो ये एक टू डी एरे, 1 2 3 ए बी सी एक टू डी एरे था, और 4 5 6 डी ई एफ एक टू डी एरे। ये दो टू डी एरे एक एरे के अंदर आ रहे हैं तो ये बन गया थ्री डी एरे। सो अब एक थ्री डी एरे आप डिफाइन करके देखें हमने बस। सो अब देखते हैं, ये हमने तीन एरे डिफाइन कर दिया। अब अगर हमें एरे ट्रैवर्स करना है, एरे ट्रैवर्स से क्या मुराद, मुझे किसी थ्री डी से ज़्यादा बड़े एरेज यूजुअली आते नहीं, वरना 4D 5D एन डी एरेज पे भी जा सकते हो। सो लेट्स सपोज अगर हमने एक एन डी एरे डिफाइन करना भी है, तो मैंने कहा एक एन डी एरे डिफाइन कर लो। सो एन पी डॉट एरे मैंने कह दिया, ये एरे है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक एरे मैंने बना लिया, और इस एरे को मैंने यहीं पे डायमेंशन दे दी एन डिम, मैंने 5 डायमेंशन दे दो लेट सपोज। सो प्रिंट कर दें ज़रा एन डी एरे, और उसकी डायमेंशन भी प्रिंट करवा लेते हैं साथ साथ साथ, एन डी एरे डॉट एन डिम। क्या मसला आ रहा है, एन डिम एन डिम एन डिमेंशन होता है, एन डिमेंशन और एन डिम। अब क्या मसला आ रहा है, एन डिमिन 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 डिमिन, यार मैं स्पेलिंगों में खो जाऊंगा। एन डिमिन एम डी एरे एन डी एरे। सो हमने एक एन डी एरे डिफाइन किया 5 डायमेंशन का, तो ये 1 2 3 4 5, 5 एरे के अंदर एक एरे बंद है तो ये 5D एरे हो गया। तो
तो तीन, यूजुअली तीन डायमेंशन से बड़े एरे हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे होते आज, केस यूज केस नहीं बना आज तक कभी इसका। सो अब देखते हैं ट्रैवर्सिंग क्या है। ट्रैवर्सिंग एन एरे, ट्रैवर्सिंग एन एरे से मुराद ये है ट्रैवर्सिंग कि किसी भी एरे को अंदर से अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी होती, जैसे हम लिस्ट में से निकालते थे तो इंडेक्स देते थे तो उस वो वैल्यू क्या आ जाती थी। सो वो हम काम हम एरे के साथ भी कर सकते हैं। एरे के साथ किस तरीके से सकते हैं, सबसे पहले हमने एक एरे डिफाइन किया हुआ है, 1D एरे डिफाइन किया हुआ है ना हमने। सो हमने 1D एरे डिफाइन किया था वो ये था। अब मैं कहता हूँ इसमें से यार पहले इंडेक्स की वैल्यू निकाल के दो, तो सिंपल है, प्रिंट D1 एरे, और हम क्या करते थे लिस्ट में उसको इंडेक्स वैल्यू पास ऑन करते थे। तो इसमें भी हम इंडेक्स वैल्यू पास ऑन करेंगे, तो यहाँ पे टूट के आना चाहिए, और टूट के आया, उसकी वजह यही है पहला इंडेक्स हमेशा जीरो होता है। इस तरीके से आप एरे को भी ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक है। 1D एरे तो बहुत सिंपल है ट्रैवर्स करना, देखते हैं 2D एरे को किस तरीके से ट्रैवर्स करें। सो हमने कहा प्रिंट D2 एरे, क्या डिफाइन किया था हमने पहले देख लें। सो वो था 1 2 3 ABC, ठीक है। अब इसमें से कहता हूँ आपको कि फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट रॉ की वैल्यू क्या है। उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये है और फर्स्ट रॉ ये है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रॉ इज 1। अगर मुझे ये एलिमेंट निकालना हो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ क्या होगा, यानी ये अगेन मैं बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, पहली रॉ का पहला एलिमेंट निकालना है तो वो किस तरीके से निकलेगा। सो D2 एरे, अब यहाँ पे मुझे इंडेक्स वैल्यूज़ पास ऑन करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ पहला एलिमेंट पहली रॉ का, पहले एलिमेंट का नंबर इंडेक्स नंबर आएगा, फिर रॉ का इंडेक्स नंबर आएगा। तो क्योंकि मुझे पहला चाहिए तो वो ज़ीरो होता है, और रॉ भी मुझे पहली ही चाहिए तो वो भी ज़ीरो ही होगी, ठीक है। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ, फर्स्ट रॉ का पहला एलिमेंट 1 है, तो 0 0 पे 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ निकालें, बल्कि इससे सेकेंड रॉ को पहले ट्रैवर्स करना सीख लेना। सो मैं कहता हूँ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रॉ क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रॉ, मैंने कहा रॉ 2 एलिमेंट 1, क्या मसला आ गया भाई, सॉरी 2 नहीं 1। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रॉ इज ए, इसने कहेगा ये इसने उठा लिया एलिमेंट, ये इसने उठा ली रॉ। सो हेयर 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि पहला इंडेक्स 0 होता है दूसरा इंडेक्स 1 होता है, तो पहली रॉ 0 होगी दूसरी रॉ 1 होगी। इसी तरीके से मैं अब कहता हूँ कि निकालो सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ। अब सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ, पहली वैल्यू हमारे पास रॉ की होती है तो आगे 0। सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, यानी इंडेक्स वैल्यू 1। तो वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 आना चाहिए रिजल्ट के तौर पे। तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ इज़ 2, सो दिस इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ। अब अगर हम निकालें सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रॉ, सो सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रॉ अगेन पहली रॉ, यानी यहाँ पे 1, इसका मतलब दूसरी रॉ, और सेकेंड एलिमेंट 1, दिस इज बी सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रॉ। सो इस तरीके से आप एक 2D एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं या उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसको ट्राई करें 2D एरे को, फिर हम 3D एरे को ट्रैवर्स करते हैं।
अब 3D array को ट्रैवर्स करके देखते हैं। तो हमने एक 3D array डिफाइन किया हुआ था पहले ही, उसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। डी थ्री सी हमारे पास एक 3D का एरे था। मैंने कहा पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे ऑफ फर्स्ट एरे। यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट अरे ऑफ फर्स्ट अरे, फर्स्ट अरे ये वाला, इसका फर्स्ट अरे ये वाला, इसका पहला एलिमेंट ये वाला, सही। सो D3 एरे क्या दो, 0 0 0। सो दिस इज़ वन। अब कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हम देखते हैं सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट अरे ऑफ फर्स्ट अरे। सो दिस इज सेकेंड एलिमेंट, सिर्फ हमने ये चेंज किया फर्स्ट अरे और फर्स्ट अरे का पहला एलिमेंट। सो दिस विल बी 2। सो अगेन अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड अरे ऑफ फर्स्ट अरे निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड अरे ऑफ फर्स्ट अरे। सो अब ये हम निकालना क्या चाह रहे हैं, फर्स्ट अरे तो ये वाला आ गया, इसका सेकेंड अरे ये वाला आ गया, इसका सेकेंड एलिमेंट ये आ गया, सो दैट मीन्स P। अगेन फर्स्ट अरे कंप्लीट वाला, इसका सेकेंड अरे ये वाला ABC वाला, इसका सेकेंड एलिमेंट B। सो अगर हमें निकालना हो तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे, ये तो एलिमेंट नंबर आ गया, सेकंड निकालना है तो 1, और फर्स्ट सेकंड अरे तो ये सेकंड अरे और ये फर्स्ट अरे। तो सबसे पहली वाली पोजीशन मेरी ओवरऑल अरे की है, यानी ये 0 दूंगा तो ये अरे सेलेक्ट कर लेगा, इसके बाद 1 दे रहा हूँ तो वो ये अरे सेलेक्ट कर लेगा, रिवर्स में चल रहा है, और एलिमेंट दे रहा हूँ 1 तो ये इस एलिमेंट पर आ जाएगा B। आई होप कि इसी तरीके से करते थे, राइट। सो सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड अरे ऑफ फर्स्ट अरे इस B। इसी तरीके से एक और दफ़ा इसको ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। सो अब मैं कहता हूँ सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट अरे ऑफ सेकेंड अरे, ठीक है। सो अब मैं क्या कह रहा हूँ, सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड अरे और फर्स्ट अरे ऑफ सेकेंड अरे, तो ये मेरे पास सेकेंड अरे, इसका फर्स्ट अरे ये वाला होगा और इसका सेकेंड एलिमेंट 5 होगा। सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे ऑफ सेकेंड एरे, सो सेकेंड एलिमेंट तो यही सही है। उसके बाद मैंने कहा अगला एरे कौन सा फर्स्ट उठाना है, तो ये 0 होना चाहिए, और यहाँ पे सेकेंड एरे तो ये 1 होना चाहिए। सो दिस इज 5, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे ऑफ सेकेंड एरे का फर्स्ट एरे का सेकेंड एलिमेंट, तो इस तरीके से आया, ये वाला 1 सेकेंड अरे लिया आएगा, इसके बाद ये वाला 0 फर्स्ट अरे लिया आएगा, और ये वाला 1 इसका सेकेंड एलिमेंट लिया आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रैवर्स अ 3D array। इसको भी ट्राई कर लें।
इसको मैं अगर सिंपलीफाई कर रखूँगा, हम ब्रैकेट में किस तरीके से लिख रहे होते हैं चीज़ें, तो सबसे पहले आता है मेन, उसके बाद आता है सेकेंडरी, और उसके बाद आती है एलिमेंट लेवल की वैल्यू, यानी उल्टा चल रहा होता है, ठीक है। और यही थीम आपको तकरीबन हर फंक्शन में मिलेगी। सो अगला फंक्शन जैसे हम देख लेते हैं, यह है स्लाइसिंग का, कि किसी भी एरे को, जिस तरह लिस्ट को हम स्लाइसिंग कर सकते थे, इसी तरह हम एरेज़ की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो किसी एरे की अगर स्लाइसिंग करनी है, तो 2D एरे की स्लाइसिंग देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सो मेरे पास D2 एरे था क्या, D2 एरे मेरे पास ये था 1 2 3 ABC, ठीक है। मैं अगर स्लाइसिंग करूं, पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि स्लाइसिंग है क्या। D2 एरे, अब मैंने कहा कि यार मुझे सिर्फ 2 3 चाहिए, इस पूरे एरे में से सिर्फ 2 3 की वैल्यू कंबाइन चाहिए। सो जो एरे मैंने डिफाइन किया है, इसका फर्स्ट एरे उठाओ, ठीक है। और अब जिस तरह हम लिस्ट को स्लाइस करते थे दो इंडेक्स वैल्यू देके, तो यहाँ पे मुझे 2 और 3 चाहिए। अगर आपको याद हो कि पहली इंडेक्स से वो वैल्यू उठाना शुरू करता था और सेकेंड लास्ट वैल्यू तक उठाता था, लास्ट वैल्यू छोड़ देता था। तो यहाँ पे 2 का इंडेक्स है 0 1, और 3 का है 2, यानी मुझे 1 से 3 तक स्लाइस करना पड़ेगा, तो जाके ये वैल्यूज़ उठाएगा। सही। सो दिस इज़ हाउ यू स्लाइस एन एरे। अगेन मैं अगर कहता हूँ कि यार फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड एरे निकालो, सो ये मेरे पास सेकेंड एलिमेंट है और सेकेंड एरे, इसका फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट होगा ए और बी। तो अगर मुझे ये निकालना हो, सो प्रिंट D2 एरे, अब इसका सेकेंड एरे और फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, सो 0 एलिमेंट यानी पहला हो गया, और 1 2 तीसरा दूंगा तो ये 2 पे रुक जाएगा। 2D रे, सो 0 से 2 AB, तो यहाँ पे आके ये रुक जाए। सो दिस इज़ हाउ यू स्लाइस एन एरे। 3D एरे भी एक स्लाइस करके देख लेते हैं। सो D3 एरे ये आ रहा था। अब इसमें से कहता हूँ कि यार सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड एरे ऑफ फर्स्ट एरे, सो हमें क्या चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड एरे ऑफ फर्स्ट एरे। फर्स्ट एरे का सेकेंड एरे का सेकेंड और थर्ड एलिमेंट, राइट। इसको स्लाइस जिस तरीके से हम इंडेक्स देके सेलेक्ट कर रहे थे, उसी तरीके से हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। सो D3 एरे, अगेन हम रिवर्स चल रहे होते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले ये आएगा फर्स्ट एरे यानी 0, इसका सेकेंड एरे यानी इंडेक्स पोजीशन 1 का सेकेंड और थर्ड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट के लिए इंडेक्स पोजीशन 1, ठीक है, और थर्ड एलिमेंट के लिए इंडेक्स पोजीशन 3। सो इसको रन करके देखते हैं, हमारे पास सुलन बी और सी आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या मसला आ गया, क्लोज नहीं किया। सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट बी और सी। अगेन 1 2 3 यानी सेकेंड थर्ड एलिमेंट, थर्ड की इंडेक्स पोजीशन होती है 2, स्लाइसिंग हमेशा सेकेंड लास्ट तक उठाती है, इसलिए हमने 3 दिया ताकि इंडेक्स पोजीशन 2 पे सी आ जाए। सो ये 2 एलिमेंट उठाओ, उसके बाद 1 यानी इंडेक्स पोजीशन 2 यानी सेकेंड एरे ऑफ 0, इंडेक्स पोजीशन 0 दैट मीन्स फर्स्ट, सो दिस इज फर्स्ट एरे। सो फर्स्ट एरे 0 के सेकेंड एरे 1 के एलिमेंट 1 से 3 यानी बी से सी। सो दिस इज हाउ यू स्लाइस एन एरे। आई नो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। और जब आप रियल टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है, कि यूजुअली
मैटप्लॉटलिब की जो विजुलाइजेशन होती हैं उसके अंदर एरे यूज़ हो रहा होता है। सो करेंगे, इट्स घबराने की जरूरत नहीं, इतनी मुश्किल है नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए सो इट्स ईजी टू यूज़। सो ट्राई करें। अब देखते हैं कि एरे को कॉपी कैसे करते हैं। सो हाउ डू यू कॉपी एन एरे? जिस तरीके से लिस्ट कॉपी हो सकती है उसी तरीके से एरे भी कॉपी हो सकता है। सो एक 3D एरे कॉपी कर लेते हैं। सो D3 की कॉपी बना लेते हैं। और क्या कॉपी करना है? D3 एरे को कॉपी कर लो। सो कॉपी का मेथड यूज़ करके आप D3 कॉपी कर सकते हो। सो बनेगा प्रिंट D3 कॉपी। सो दिस इज़ हाउ यू कॉपी एन एरे। अब किसी एरे का शेप निकालना होगा आपने, किसका शेप क्या है, ठीक है। सो शेप ऑफ एरे, यहाँ प्रिंट D3 एरे का ही निकाल लेते हैं क्या शेप आ रहा है। डॉट शेप 2 2 3, ठीक है 2 2 3। दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल एरे, तो तीन वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। अब ये 2 2 3 है क्या, इसको किस तरीके से समझें? अगेन ये उल्टा चलता है, ठीक है। यानी तीन एलिमेंट हैं, दो एरेज और फिर दो एरेज। यानी सबसे पहले एरे में तीन एलिमेंट हैं, उसके बाद वाले एरे में दो एलिमेंट हैं, और उसके बाद वाले एरे में दो एलिमेंट हैं। सो DEF तीन एलिमेंट हैं सबसे आखिरी एरे में, उसके बाद जो एरे आएगा उसमें दो एलिमेंट हैं, ये आ गया। और सबसे पहला जो एरे है उसके अंदर भी दो एलिमेंट हैं, यानी ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट। सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन अ शेप ऑफ एन एरे 2 2 3। यानी सबसे पहले एलिमेंट के अंदर दो एलिमेंट होंगे, उसके अंदर दो एलिमेंट होंगे, और उसके अंदर तीन एलिमेंट होंगे। सो जब हम शेप डिफाइन कर सकते हैं तो इसका मतलब हम शेप रीडिफाइन भी कर सकते हैं। और शेप रीडिफाइन करने के लिए सबसे सिंपलिस्टिक मेथड ये है कि एक एरे बनाते हैं हम np.array, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा लंबा बना देता हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सॉरी क्या खुली है ये। सो ये मैंने एक एरे बना दिया, एरे के अंदर डबल आ रहा आएगा। सो ये एक एरे बन गया, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं। सो ये एक 1 0 1 D एरे है, ठीक है। इसका शेप भी देख लेते हैं क्या आता है। प्रिंट a.shape। सो ए डॉट शेप मतलब टोटल एक ही शेप, एक ही एरे है, उसके अंदर 12 एलिमेंट हैं। दिस इज 12 एलिमेंट। अब मैं कहता हूँ इसको रीशेप करते हैं, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए डॉट रीशेप। अब रीशेप किस तरीके से करते हैं? मैंने इसको कहा कि सबसे पहले इस 12 को चार
एलिमेंट में तोड़ो, और उन चार के हर एलिमेंट में तीन एलिमेंट होने चाहिए। सो मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चार एलिमेंट के हर एलिमेंट में तीन एलिमेंट। सो मैंने कहा जो आपका ए था इसके चार एलिमेंट बनाओ सबसे पहले, और हर एलिमेंट में तीन एलिमेंट कर दो। सही है, प्रिंट करते हैं बी, और प्रिंट करते हैं बी का शेप, इसको रन करके देखते हैं क्या मसला आ गया। री शेप में मसला आया होगा। सो इसने क्या किया कि हमारा एरे उठाया, उसके सबसे पहले चार एलिमेंट बनाए, 1 2 3 और ये चार, और हर एलिमेंट को उसमें तीन एलिमेंट तोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 4 बाय 3 का शेप बन गया। ठीक, 4 रो 3 कॉलम, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। अब इसी को अगर मैं 3D एरे में चेंज करने की बात करूँ, सो ए डॉट री शेप, अब मैं इसको कहता हूँ कि इसको आप किस तरीके से बनाओ 3D एरे। सबसे पहले दो एलिमेंट बनाओ, उस हर एलिमेंट में तीन एलिमेंट सब बना दो और उसमें दो एलिमेंट बना दो। तो 2 3 2 की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं कि ये क्या बनती है। तो प्रिंट सी, सो दो एलिमेंट बनाओ, हर उस एलिमेंट के अंदर तीन एलिमेंट बनाओ और उसमें फिर दो दो एलिमेंट बनाओ। सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन दिस। सो टोटल एलिमेंट 12 ही रहेंगे, कोई चीज़ बाहर से नहीं आई। सो ये इस तरीके से आप एरे को रीशेप कर सकते हो अपनी मर्जी से। ये भी एक ट्राई कर लें रीशेप करके, एक आते रहे। चले अब देखते हैं अनपैकिंग एनर्जी। सही, जिस तरीके से हम फॉर का लूप लगा के तमाम वैल्यूज़ को सीक्वेंस में लिख लेते थे लिस्ट के अंदर और डिक्शनरी के अंदर, उसी तरीके से हम एरे को भी सीरीज़ में लिख सकते हैं। सो किस तरीके से लिखते हैं, वही फॉर का लूप। सबसे पहले तो मैं देख लूँ कि D3 एरे मेरे पास डिफाइन किया हुआ हुआ था ओरिजिनल वाला। सो ये था, ठीक है। सो अनपैकिंग सिंपल, फॉर एक्स इन D3 एरे प्रिंट एक्स, इसने क्या किया, इसने एक एरे ख़त्म कर दिया, ये बाहर वाला एरे ख़त्म कर दिया, और इसने एक्स क्या कंसीडर किया, दिस इज़ X1 दिस इज़ X2। इसको मज़ीद एक अनपैक करना है, कोई मसला नहीं, एक लूप और चला दें, यानी इसके बाद फॉर वाई इन एक्स प्रिंट वाई। सो इसने एक एरे और ख़त्म कर दिए, और ये अनपैक करके सेकंड डिग्री के एलिमेंट को लिया है। इसको मज़ीद अनपैक करना है,
एक और लूप चला दें फॉर, ये कॉपी कर लेते हैं, फॉर जी जी इन वाई प्रिंट जी। सो अब इसने सबसे पहले ये वाला एरे भी ख़त्म कर दिया और सारे एलिमेंट्स को उठा के सीरीज़ में ले आया। सो दिस इज़ हाउ यू अनपैक एन एरे, जिस तरीके से आप सीरीज़ या डिक्शनरी अनपैक करते हो। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, अब देखते हैं जॉइनिंग। सो जॉइनिंग थोड़ी सी, जिस तरह एरे में हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, जॉइनिंग भी कॉम्प्लिकेटेड है। जॉइनिंग के दो मेथड्स हैं, दो मेथड के ज़रिए आप जॉइन कर सकते हो। एक तो कंकैटिनेशन है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है स्टैकिंग, ठीक है। सो सबसे पहले कंकैटिनेशन देखते हैं, कंकैटिनेशन किस तरीके से होती है। मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ, एरे वन एन पी डॉट एरे, और इसके तीन एलिमेंट होंगे 1, 2, 3। और एक सेकेंड एरे डिफाइन करता हूँ एन पी डॉट एरे, इसके भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब इन दो को मैं कंकैटिनेट करके एक एरे बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ए थ्री इज इक्वल टू एन पी डॉट कंकैटिनेट, इसको दो टपल पास करेंगे ए वन ए टू, ये दो एरे लो डबल ब्रैकेट के अंदर और दोनों को कंकैटिनेट करके एक नया एरे बना दो ए थ्री। सो इस ए थ्री को प्रिंट करके देखते हैं आप। सो इसने इन दोनों एरेस को उठाया, सही है, प्रिंट ए वन और ए टू भी करके देख लेते हैं। ए वन और ए टू तो किस तरीके से आए थे, प्रिंट ए वन, प्रिंट ए टू और प्रिंट ए थ्री। सो ए वन 1, 2, 3 था, ए टू ए बी सी था, इन दोनों को कंबाइन करा और 1, 2, 3 ए बी सी इसने एक कंकैटिनेटेड एरे बना दिया। इसकी डायमेंशन क्या आई होगी, सही, क्योंकि कंकैटिनेट हुआ है तो असूलन इसकी डायमेंशन एक ही आनी चाहिए, एक डायमेंशन का एरे होना चाहिए। सो इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं एंडिम से, यस, तो ये एक डायमेंशन का एरे। इसका शेप भी चेक कर लेते हैं कि इसका शेप क्या है, थ्री डॉट शेप, तो सिंगल वन डायमेंशन का शेप आया है जिसमें छः एलिमेंट है, ठीक। ये तो हो गया वन डायमेंशनल एरे को किस तरीके से कंकैटिनेट करते हैं। अब देखते हैं टू डायमेंशनल एरे को किस तरीके से कंकैटिनेट करते हैं। तो मैंने कहा एक बना लो ए ए फोर, अरे नंबर फोर बना लो एन पी डॉट एरे। सो वही कर लेते हैं, 1, 2 1, 2, 3, 4 ये पहला हो गया। ए फाइव बना लेते हैं एन पी डॉट एरे, इसको कर लेते हैं ए बी और सी डी। सो दिस इज 2D एरेस। A6 अब इन दोनों को कंकैटिनेट कर देते हैं, np.concatenate A4 और A5। अब ये क्योंकि 2D एरेज हैं तो यहाँ पे आपको एक्सिस भी बतानी पड़ती है। एक्सेस से क्या मुराद है, अभी इंटरेस्टिंगली इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको एक्सेस की थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो प्रिंट करते हैं A6 को और इसके साथ साथ इसका डायमेंशन भी प्रिंट करते हैं, A6 की एंडिम भी प्रिंट करके देखते हैं। सो जब मैंने ज़ीरो एक्सेस बताई तो इसने 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी एक सीक्वेंस के अंदर इन सबको कंकैटिनेट कर दिया, ठीक है, और इसकी सेकंड डायमेंशन आई, दो डायमेंशन का एरे। अगर मैं इसको एक्सिस दूसरी बता देता तो ये
हॉरिजॉन्टली कंकैटनेट कर देता था। दिस इज़ हाउ एक्सेस इंटरप्रेट, ठीक है। जब आप इसको जीरो एक्सेस पे तोड़ते हो तो ये 1 2 3 4 ए बी सी डी जोड़ देगा, और जब आप इसको वाई एक्सेस पे जोड़ते हो सो दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। सो इस तरीके से डायमेंशन चेंज होती हैं। सो 1 2 के साथ इसने ए बी जोड़ दिया और 3 4 के साथ इसने सी डी जोड़ दिया, जब मैं इसको एक्सेस 1 पे जोड़ता हूँ। और जब एक्सेस 0 पे जोड़ता हूँ तो सिंपल 1 2 के साथ 3 4 जोड़ेगा, ए बी के साथ सी डी जोड़ेगा, 1 2 3 4 ए बी सी डी सीक्वेंस के अंदर जोड़ देगा। सो दिस इज़ हाउ डायमेंशन वर्क्स। इसको ट्राई करें, फिर हम देखते हैं स्टैकिंग। चलें स्टैकिंग देखते हैं। स्टैकिंग क्या, अभी जब हमने कंकैटिनेट किया तो इसने 2D एरे बना दिया, ठीक है। व्हाट इफ कि अगर हमें 3D एरे बनाना होता, ठीक है, यानी एक एलिमेंट में दो और फिर उनके अंदर दो दो, राइट। सो उसके लिए हम स्टैकिंग यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा A9 NP डॉट स्टैक कर दो। किसको स्टैक कर दो, A4 को और A5 को, ठीक है। सो 3D एरे बनाने हो दो एरे से तो उसके लिए स्टैकिंग यूज़ होती है, और अगर दो एरे से 2D एरे ही बनाना हो तो उसके लिए कंकैटिनेशन यूज़ होती है। अगेन इस पे मुझे एक्सेस देनी पड़ेगी, पहले मैं 0 एक्सेस पे इसको स्टैक करके देखता हूँ कि क्या आता है। प्रिंट A9। सो इसने 2D एरे बना दिया, 1 2 3 4 ये एक एरे, उसके बाद दूसरे एरे से ABCD ये वाला उठाया और इन दोनों एरे का एक और एरे बना दिया, तो दिस इज थर्ड एलिमेंट। और इसकी एक्सिस अगर मैं चेंज करता हूँ 1 पे, सो अगेन वही 1 2 के साथ ए बी 3 4 के साथ सी डी। सो ये तरीका है 3D एरे बनाने का, दो 2D एरे को जोड़ के जो स्टैक। आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अगर हम एक ही दिन में नंपाई ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नंपाई हम कल ख़त्म कर देंगे। आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, एंड दैट इज़ सर्चिंग विद इन एन एरे। सर्चिंग किस तरीके से करते हैं एरे के अंदर, राइट। जिस तरह हमने सीरीज में भी लिस्ट में भी देखा, और हमने और किस में देखा था, डिक्शनरीज में भी देखा था कि आप सर्चिंग कर सकते हो, इसी तरह आप एरे में भी सर्चिंग कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं अपना एरे देख लूँ कि मेरा एरे है क्या। A9 को ही उठा लेता हूँ, दिस इज़ अ 3D एरे। अब हमें देखना है कि यार लेट सपोज इसमें ए कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा सर्च, और मैं वेयर का मेथड यूज़ करूँगा, NP वेयर A9 के अंदर जो मेरा एरे है मुझे बताओ कि ए कहाँ आ रहा है, ठीक है। प्रिंट सर्च। तो इसने सर्च किया, उसने मुझे बताया 0 1 0 की पोजीशन पे आ रहा है, यानी फर्स्ट अरे का सेकंड अरे का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट अरे का सेकंड अरे का फर्स्ट एलिमेंट। सो दिस इज फर्स्ट अरे के सेकंड अरे का फर्स्ट एलिमेंट। सो इस अब इसको प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। लेट सपोज प्रिंट A9 का इंडेक्स उठाओ 1 0 0, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, दिस इज 3। ये इंडेक्स क्या कह रहा है, जीरो
10 ए, जो इंडेक्स पोजीशन इसने दी थी 010 की, उसी को अगर हम प्रिंट करा लेते हैं तो हम ए तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म सर्च इन एन एलिमेंट। सर्च यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है? सपोज़ कि हमने कोई मेथड लगाया अपने डेटा फ्रेम के ऊपर, उसका रिजल्ट आया हमारे पास की वैल्यू पेयर में एक एरे की फॉर्म में जो कि नंपायर एरे का था, जैसे मीन मीडियन मोड हमने नंपायर एरे में ले ली, तो हमें देखना है कि मीन की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो आप मीन को सर्च कर लो तो आपको इंडेक्स वैल्यू बता देगा, उस इंडेक्स वैल्यू पर जाएंगे तो हमें मीन पता चल जाता है। दिस इज़ अ यूज़ केस ऑफ सर्चिंग, बट नंपाई से ज़्यादा यूज़फुल चीज़ या एडवांस चीज़ हमारा पैंडाज है। नंपाई छोटे छोटे एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, अगर जब हम नेक्स्ट लाइब्रेरी जो मैटप्लॉटलिब की देख रहे होंगे उसमें हम नंपाई यूज़ कर रहे होंगे। सो और ज़्यादा थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करें इसको, ज़रा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस चाहिए, और कल जो है हम नंपाई क्लोज कर देंगे। कोई भी सवाल हो आज की क्लास से तो वो कल मुझसे पूछ लेगा। बाकी सी यू टुमारो, थैंक यू।